कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है, इस सप्ताह आपको कहीं जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और ऐसी जगह आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है जहां के बारे में आपने सोचा नहीं। इस दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की भी संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर लाभ मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो वो भी इस सप्ताह पूर्ण होने वाली है, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। लेकिन यदि आप किसी बात को लेकर के ज्यादा विचलित होते हैं तो प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर है कि अपनी सेहत को इस बार सही करने की कोशिश करें। अपने ऊपर ध्यान देते हुए आपको इस बार धन में वृद्धि हो सकती है, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है और साथ में जो आपकी उधारी है, जैसे आपने किसी को पैसा अगर उधार दे रखा है और वो अब तक नहीं मिला है तो वो भी आपको मिल सकता है। जितना संभव हो सके अपने को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक उपाय है आपके लिए, यदि आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप उपाय कर सकते हैं, प्राचीन पाठ लिंगाष्टकम का प्रतिदिन जाप करें तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपके लिए ज्योतिष के आधार पर कहा जा सकता है कि आप आराम करें और विश्राम करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति दूसरे घर में मौजूद होने के कारण यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे और आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन और दान करके पुण्य कमा सकते हैं और इससे आपको लाभ भी होगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।